एंड आई एम गोना अनबॉक्स दिस फोन. दिस इज उल्टा दिखा दिया क्या? नहीं सही है. दिस इज सैमसंग गैलेक्सी M34 5G एंड लेट्स अनबॉक्स दिस फोन. एक्चुअली कुछ है ही नहीं बॉक्स में. यू गेट दिस पॉकेट काइंड ऑफ अ थिंगी जहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाता है और इसके अंदर हमें क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. इसके अंदर हमें मिल जाती है चार्जिंग केबल एंड वेरी फ्यू पुस्तकें, अगेन ऑफ नो यूज एंड दैट्स इट. उसके अलावा यहाँ पे है ये फोन. इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑल दीज थिंग्स असाइड और फोन के बारे में बात कर लेते हैं. तो यार देख लो, इसका बैक पैनल जो है बहुत ही सिमिलर लग रहा है गैलेक्सी F54 के डिज़ाइन से. मतलब वही प्लास्टिक ग्लॉस्टिक का जो मटेरियल है वो इसमें यूज़ किया गया है फिंगरप्रिंट्स में, और जो स्मजेस हैं बहुत ही आसानी से रिटेन हो पा रहे हैं. लेकिन अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही मिनिमल सा इन्होंने यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है. जो इसका प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का है अल्ट्रा डेप्थ लेंस, और जो मैक्रो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल्स और 5 मेगापिक्सल्स के हैं. यहाँ पे बहुत ही क्यूट छोटी सी रिंग लाइट यहाँ पे हमें दी गई है, और जो फ्रेम है वो मैट फिनिश का है. तो ये भी आपको बहुत ही प्रीमियम नहीं लेकिन डिसेंट लुक दे रहा है. इन हैंड फील भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब इट कुड बी लाइटर, लेकिन मुझे फोन हल्का सा हैवी लग रहा है. यू हैव डुअल सिम कार्ड स्लॉट हियर और माइक्रो SD कार्ड भी ये सपोर्ट करता है. यहाँ पे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पे पावर बटन हमें दिया गया है, एंड इफ वी मूव टूवर्ड्स द बॉटम यहाँ पे 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल हमें यहाँ पे मिल जाता है. एंड नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द डिस्प्ले, द फ्रंट डिस्प्ले, यहाँ पे आपको ड्रॉप नॉच दिया हुआ है, सेल्फी शूटर 16 मेगापिक्सल का है, और जो ये बड़ी सी डिस्प्ले है ये 6.6 इंचेस की डिस्प्ले है. AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट. मैं अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिव लगी, स्मूथ डिस्प्ले है, लेकिन अगेन उतनी मुझे ये स्मूथ नहीं लगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर फोन्स जो इस कैटेगरी के हैं, जो 20,000 वाली कैटेगरी के हैं. आई थिंक थोड़े से बेटर हो सकते थे, बाकी मैं आपको रिव्यू करके बताऊँगी. इनडोर ब्राइटनेस में भी मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही है, बाकी अगेन रिव्यू करने के बाद आउटडोर्स का पता चलेगा. मैं इसका थोड़ा सा वीडियो कंज्यूम करके देखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो फ़ोन टू बॉडी रेशियो है वो कैसा है. अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13, और इसमें ब्लोटवेयर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है. जो थोड़ा बहुत मिल जाता है एज यूजुअल जैसे भी सैमसंग फोन्स में होता है, थोड़ा बहुत अनइंस्टॉलेबल है, तो मतलब कोई लैग वैग फील आपको नहीं होगा ऐप्स यूज़ करने में. अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 और ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा. तो गेमिंग भी इसमें आई थिंक अच्छी होने वाली है, बाकी रिव्यू में पता चलेगा. एंड अगर मैं स्टोरेज की और रैम की बात करूँ तो इसमें दो वेरिएंट्स हैं, 128GB एंड 256GB, दो वेरिएंट में आपको स्टोरेज मिलने वाला है. और इसमें आपको 8GB का रैम मिलने वाला है, तो और एक्सपेंडेबल रैम इसमें आपको मिल जाएगा. उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ जो नहीं बताई है इस फ़ोन की, वो ये है कि इसका जो कैमरा है वो जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो OIS के साथ आपको मिल रहा है, और इसका पेग पॉइंट भी इन्होंने यही बताया है कि बिल्कुल ही अनशेकेबल आप पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे. अगेन यूज़ करने के बाद पता चलेगा. एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, वी हैव बैटरी. तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है विद 25 W ऑफ चार्जर. 6000 W की चार्जिंग तो मिल रही है, सुपर फास्ट आपको चार्जिंग इसमें मिल रही है. यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कितना फास्ट चार्ज करता है, कितना एफिशिएंटली चार्ज करता है. बाकी आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस अनबॉक्सिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ. अपना प्यार बनाए रखिए.